पर दामों से सामने आ रही है जहां धर्मांतरण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। धर्मांतरण मामले के दो आरोपी जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में अब पेश किया। आप बता दें कि शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे ये आरोपी। बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की शिकायत पर यहाँ पर ये कार्रवाई की गई। बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। देहात थाना क्षेत्र के मराहार स्थित बाल गृह केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो धर्मांतरण मामले में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ एक्सक्लूसिव तस्वीर है। धर्मांतरण मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में भी पेश किया है। बता दें कि शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे ये दोनों आरोपी, जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीडी देखिए, धर्मांतरण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कहा जा रहा है ये दोनों आरोपी जो थे वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे, जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार तो कर लिया गया, न्यायालय में पेश भी किया गया। न्यायालय की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने निकल कर आया है, किस तरह से अब आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है? पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो धर्मांतरण मामला बेहद कई दिनों से यहाँ लगातार चालू था, जिसमें बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दमोह आकर यहाँ पर जांच की थी और पाया था कि यहाँ पर जो ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित बाल गृह हैं वहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। वहीं यह एक मामला है देहात थाना क्षेत्र के मराहार का, जहाँ पर प्रियंका कानूनगो पहुंचे थे और वहाँ उन्होंने पाया था कि यहाँ पर दलित परिवार की बच्चियों के साथ बाल गृह में धर्मांतरण कराया जा रहा है। साथ ही उनके साथ वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। तो प्रियंका कानूनगो द्वारा इस मामले में रिपोर्ट का दर्ज कराई गई थी और उसके बाद आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने उन्हें जेल का आदेश कर दिया है। अब यह दो आरोपी जो हैं वह जेल जाएंगे और अपने जो धर्मांतरण का मामला है उसमें पुलिस द्वारा आगे भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी ठीक है, वीडी तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।